श्री गणेश नमः दोस्तों, ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 30 अक्टूबर शनिवार आज के वृषभ राशि फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज का दिन आपके व्यवसाय और कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने में सफल रहेंगे। आपका मन प्रसन्नता और उत्साह से भरा रहेगा। आज ऑफिस में आपके कार्यों की भी तारीफ होगी, इससे आपका मन अति प्रसन्न रहेगा और आपके कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। आज आर्थिक लाभ होने के कारण आपका तनाव दूर होगा, आपके पुराने रुके हुए कार्य पूरे होंगे। दोस्तों ग्रह नक्षत्रों के मुताबिक सफलता आज आपके कदम चूमेगी। शाम के समय तक कोई रुका हुआ काम बनने की उम्मीद है। आप किसी पुराने बंद पड़े कारोबार को दोबारा शुरू करने का विचार विमर्श कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए क्या नेगेटिव रहेगा, आज नकारात्मकता और नकारात्मक विचारों से आपको दूर रहना होगा। अपनी नकारात्मक सोच से बचें, इससे आपका मनोबल कम हो सकता है, इसलिए अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें और पिता की सेहत को लेकर भी आज आप चिंतित हो सकते हैं। दोस्तों आपका व्यापार कैसा रहेगा, आज रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं लेकिन इसके लिए आपको लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा। कारोबार में आज सफलता के योग रहेंगे। आर्थिक नजरिए से भी आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। लकड़ी का कारोबार करने वाले व्यापारियों की बिक्री में इजाफा होगा, व्यापारियों की बिक्री बढ़ेगी जिससे मुनाफा भी होगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए यह दिन सामान्य रहेगा। दोस्तों आपका घर परिवार कैसा रहेगा, अपने पिता की बातों का आप सम्मान करें, आपकी राय अहम है, सभी पक्षों पर सोच विचार कर ही अपनी बात रखें। घर परिवार में अविवाहितों के रिश्ते की बात हो सकती है, घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है, माता द्वारा कोई सुख प्राप्त हो सकता है, घर परिवार में खुशियां रहेंगी और पति पत्नी में कोई मीठी नोकझोंक भी हो सकती है, इससे आपके प्रेम संबंध और मजबूत हो जाएंगे। बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। दोस्तों प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये दिन काफी संयम बरतने के हैं, नहीं तो समाज में ऐसे रिश्तों से बदनामी हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सफल रहेगा और दाम्पत्य जीवन में काफी खुशियां भी रहेंगी। दोस्तों आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दोस्तों इस दौरान हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी की समस्या हो सकती है, ये समस्या मौसम जनित भी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित योग करें, व्यायाम करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान करें और लोहे की कील, काली उड़द या काले तिल बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम से शनिश्चराय नमः, ओम से शनिश्चराय नमः। ऐसा करने से शनि भगवान की आप पर अति कृपा होगी। दोस्तों आपको भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय शनिदेव से लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।